इन 48 घंटों के लिए आप खुद अपने बॉस हैं। अगर मैं 48 घंटों के लिए आपको सारी पावर दूं तो क्या करेंगे? लेकर तो देखिए सर। जी सर। आप लोगों की ये सिंसियरिटी देख कर ही मैंने आप सभी के नाम सिलेक्ट किए हैं। आपको अल्टीमेट पावर्स इश्यू कर रहा हूँ। एक ही मकसद हो, बस जी भर के ड्यूटी करनी है। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट क्रिमिनल मिनिस्टर शिवा रेड्डी। मुझे तो ये लोग भी पसंद नहीं, मुझसे ज्यादा तो इन्हें उस पर गुस्सा आ रहा है। उस शिवा रेड्डी को मसल दूंगा, मसल दूंगा, मसल दूंगा, मसल दूंगा, मसल दूंगा, मसल दूंगा, चींटी की तरह मसल दूंगा। नो मोर डिस्कशन सर, बिल्कुल सही टारगेट दिया है सर। उस शिवा रेड्डी को दौड़ा दौड़ा कर पूरे शहर के सामने मारूंगा। उसके इल्लीगल धंधों को तबाह कर दूंगा सर। Yes, what next? Come on, tell me, come on, tell me, come on, tell me. बहुत फ्रस्ट्रेशन में लगता है। फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा तो और क्या होगा? मेहनत करके किसी को रंगे हाथों पकड़ो तो नेताओं का प्रेशर। दिल्ली में गैंग रेप करने वालों को सजा देने के बजाय उनसे बातचीत किया जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा तो और क्या होगा? आप मुझे पसंद आए सर, आपने मुझे पावर दी। चुटकी चुटकी बजा के सबकी बैंड बजा दूंगा। आप वो कौन? पांडे, किल बिल पांडे। आज ड्यूटी पर आने की वजह क्या है? शिवा रेड्डी का फैसला जो करना है उसका फैसला करने में मुझे बहुत खुशी है। Me too. टारगेट ऑन। हमारा टारगेट सिर्फ शिवा रेड्डी है। जब तक उसकी जड़ें खोद न लूं, हमारी फोर्स नहीं रुकेगी। Yes sir. किसी की बात नहीं सुनेगी। Yes sir. We don't hear anybody's order. Oh my God. They call me Kill Pandey. Pandey. सबको अरेस्ट कर लो। स्पेशल टीम है, स्पेशली मैंने डिजाइन किया। आप भी एक पहन लो सर। मस्त लगा आइडिया। थैंक यू वेरी मच। सबके लिए जीप पे जगह कम पड़ रही है सर। एक को छोड़ दो। नो। इसमें क्या गया सर? बस गिनती के चार बुलेट। एक्स्ट्रा लगेज थी। थोड़ा ज्यादा हो रहा है भाई। आप तो है ना सर। ऐसे ही चला तो मैं भी नहीं बचूंगा। थोड़ा सा कंट्रोल करो बिल। नहीं हो सकता सर, फ्रस्ट्रेशन। 10 साल हो गए जी भर कर ड्यूटी किए। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, फा फा फा। लकी तो एक बार फिर गलती कर रहा है। ऑन ड्यूटी ऑफिसर के गिरेबान पर हाथ डालने से क्या होता है किल बिल? हमारे ऑफिसर की बेइज्जती। अरेस्ट। भैया अंदर रहेंगे तो ही हम ड्यूटी ठीक से कर पाएंगे। शिवा रेड्डी से जुड़े सारे काले धंधों पर हम रेड करेंगे। सारे एक साथ होंगे। सर, ये शिवा रेड्डी का ऑडिटर है। स्टेट में शिवा रेड्डी के बहुत सारे इलीगल कारोबार चल रहे हैं जिन्हें रोकने की किसी में हिम्मत नहीं है सर। मुझे तो सिर्फ 2-3 ही मालूम है जो मैं आपको बता दूंगा। बाकी कैसे पता लगाया जाए? उसी से बुलवा लें। उससे ही बुलवा लेंगे? पर कैसे? अटैक। स्पेशल रैपिड फोर्स। पता ये फैक्ट्री किसकी है? मिस्टर शिवा रेड्डी की। ये शिवा रेड्डी कहेगा तो ही मार। सर, मुझे आपका प्लान कुछ समझ नहीं आया। किल बिल पांडे। स्पेशल ऑफिसर कौन है वो? फोन दो उसको जरा। सर, सर, ये फैक्ट्री आपकी है सर? हाँ बे गधे, वो पूरी फैक्ट्री मेरी है। सर, मुझे तो पता ही नहीं था। कौन हो बे रेड डालने वाले? सेंट्रल ने अपॉइंट की हुई स्पेशल रैपिड फोर्स सर। स्पेशल रैपिड फोर्स? ऐसा मतलब आप ही हैं सर? सर मतलब मैं ही हूँ, शिवा रेड्डी। हमें नहीं पता सर। मैं तुम्हारे सीनियर से बात कर लूंगा, तुम पहले वहाँ से बाहर निकलो। अभी निकलता हूँ। रिएक्शन। नेक्स्ट अटैक। ये गोडाउन मिनिस्टर तिवारी का है। किल बिल कंट्रोल। लिसन मी प्लीज। अपने इमोशंस पर कंट्रोल लाओ किल बिल। अरे वो किसकी है ये जानकर रेड मारो ऑफिसर। शिवा रेड्डी सर, ये फैक्ट्री भी आप ही की है? हाँ वो भी मेरी ही। एक्सट्रीमली सॉरी सर, उसने तिवारी कहा ना इसलिए कंफ्यूजन हो गया। ये शिवा रेड्डी की फैक्ट्री है। नेक्स्ट अटैक। क्या कर रहा है तू? यू ब्लडी
आसकान पर ये भी आपकी फैक्ट्री है सर? हाँ मेरी है, मेरी है, मेरी है। एक किलबिल पागल है क्या, फिर से शिवा रेड्डी की फैक्ट्री में लेकर आ गया। सर हमें जैसी लिस्ट मिली है उस हिसाब से रेट मार रहे हैं, इसमें से कौन सी आपकी हमें नहीं पता। तो फिर उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? काम कीजिए ना, आप अपनी प्रॉपर्टी की पूरी लिस्ट बनाइए, हम हाथ कदम भी नहीं रखेंगे। हाँ आइडिया अच्छा है, तुम आकर लिस्ट लेकर जाओ। तुम हो स्पेशल ऑफिसर? तुम शिवा रेड्डी हो? तुम शिवा रेड्डी हो? ए तू इत्तू सा है और मेरा बॉस हो? सोच रहा है मिस हो गया क्या? मिस कर दिया है। बुलेट देखने में मेरे जैसे ही दिखते, घुसने के बाद गहराई दिखती है। और गुस्सा मत दिलाओ, पूरी तरह खत्म हो जाओगे। लिस्ट। तुम्हारा स्टाइल मुझे पसंद आया। लिस्ट ले दो भाई, संभाल कर देखना। हैप्पी दिवाली। उसके लिए तो अभी टाइम है ना? आपके लिए जल्दी आने वाली है। क्यूट बॉय। इसका फ्रंट देखो तो म्युनिसिपैलिटी, बैक देखो तो वर्स्ट पर्सन। ये स्पेशल ऑफिसर कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं वो टाइम बम हूँ जिसके फटने का कोई टाइम नहीं है डूड। ऑपरेटर्स सभी चैनल्स को फोन करो, कॉन्टैक्ट द मीडिया इमीडिएटली। अपने चैनल्स का टीआरपी बढ़ाना चाहते हो, मीडिया का पावर क्या है दिखाना चाहते हो? Yes, of course. Then follow us. आप कौन है? Special officer. Charge. ये फैक्ट्री शिवा रेड्डी की है, यहाँ नकली शराब बनाई जाती है। Yes. अच्छा तुम लोग पीछे आ गए थे, बैंड बजा रहे हैं बच्चों। ये क्या लगा रखा है? ये फैक्ट्री शिवा रेड्डी की है जो वो तिवारी के नाम से चला रहे हैं। आग लगा देंगे। राज्य में स्पेशल टीम की हलचल। पावर क्या होता है आप बताएं। खबर मिली कि ड्रग्स की स्मगलिंग में ये शामिल था। हम शिवा रेड्डी के लिए काम करते हैं। उड़ा दो। मिस्टर मेधावी शिवा रेड्डी द्वारा चलाया ऐसा फैक्ट्री में पाई गई नकली शराब रेड करके फैक्ट्री को सील किया स्पेशल टीम ने, और उनकी दूसरी फैक्ट्री में नकली दवाइयां भी बरामद हुई। शिवा रेड्डी के सारे काले कारनामे सामने आ रहे हैं, वो जनता का सेवक है या देशद्रोही आप फैसला कीजिए। लाइव अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। शिवा रेड्डी तू तो गया रे। ए, कौन हो तुम लोग? रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। ये सब काले धंधे उन्हीं के हैं, ऐसा उन्होंने फोन पर कहा है। अब वो साला होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को बोल देना। शिवा रेड्डी से जुड़ा कोई फोन मत लेना, सब फोन टैप हो रहा है। सर ये सारे वेपन्स एडवांस्ड हैं सर। एक्सचेंज। इट्स ओके। कोई रिजन चल देखो हर सीजन को।
कंस्ट्रक्शन साइट शिवा रेड्डी साहब की है। इलीगल कंस्ट्रक्शन, ये रोक दो। ओह माय गॉड, औरतों की इज्जत बचाने वाले किलबिल पांडे, सिंघम का नया अवतार है किलबिल पांडे। ऑपरेशन देखो इनका सुपर एक्शन, पांडे के इस अवतार से एमएलए यहाँ तक कि मिनिस्टर भी डर रहे हैं। ये सारे बैग यहाँ से बाहर निकाल दो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उन लोगों के पास जो हथियार है उन्हें मार। मिनिस्टर के घर में गैर कानूनी हथियार, राजनीति के गुरु माने जाने वाले शिवा रेड्डी बेईमान निकले। पुलिस ऑफिसर राम को सस्पेंड करने के लिए एक औरत को बनाया जरिया। उस औरत का असली चेहरा अब सबके सामने आ गया है। मुझे इस काम के लिए पैसे मिले थे। शिवा रेड्डी, शिवा रेड्डी, शिवा रेड्डी के पिता बेबी रेड्डी को स्पेशल टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। मिनिस्टर, स्टेट में क्या क्या हो रहा है कुछ अंदाजा है? क्या हो गया सर? तुमने किसी स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया है? मैं क्यों विश वाला वो एक कैंसर पेशेंट है सर, प्रजा की सेवा करेंगे सोचकर परमिशन दे दी। सर ये क्या कर रहे हैं? शिवा रेड्डी को टारगेट करके सबकी बजा रहा है वो। तुम्हें एक घंटे का टाइम दे रहा हूँ, देखते ही गोली मारने का ऑर्डर निकल दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तुम उसे रोको ना। क्यों रोके? तुम्हारे जैसे बेकार नेता जब हमारे सर पे होते हैं तो हमारी ऐसी हालत हो जाती है। ड्यूटी पर होते हुए भी तुम लोग हमें कमजोर कर देते हो। उसने भले ही धोखा दिया हो लेकिन उसने ड्यूटी बखूबी निभाई है। पुलिस की पावर क्या होगी ये बताया उसने। अब आप अपनी कुर्सी संभालो, सुबह तक तो वो सब साफ कर देगा। तो फिर अब उसे रोकेगा कौन? कौन है वो साला? मैं हूँ, मैंने किया वो सब। क्या मैं तुझे शक्ल से बेवकूफ लग रहा हूँ? तेरे पीछे जो भी खड़ा है उसे मुझे अभी देखना है, इसी वक्त। बता दे कौन है वो? बता कौन है? You are right. बताओ बे कहाँ है वो? तुम्हारे अंदर है वो, तुम्हारी धड़कन में है वो। इस आवाज को सुनो, विजुअल तुम्हें खुद दिखाई देगा, तुम्हें सुनाई देगा। क्लोज योर आईज, लो सुनो। स्पेशल ऑफिसर कैसे बना बे तू? बिना इलेक्शन के तू मिनिस्टर कैसे बना? वाह! चीटिंग करके पुलिस ऑफिसर बना तू? एग्जैक्टली। पावर पावर करता था ना, पावर से ही मार दिया तुझे। सर आप फेक पुलिस ऑफिसर हो? समझने में थोड़े लेट हो गए किलबिल। मैं ऐसा ही हूँ सर, हमेशा लेट हूँ। तो ये गवर्नमेंट मिशन नहीं था सर? नो, मेरा पर्सनल बदले का मिशन। अरे वैसे तू कैसे? हे लकी, चीटिंग है। अच्छा, तुझे अरेस्ट करने के बाद मेरा मिशन कंप्लीट होगा, है? मेरा ईगो सेटिस्फाई होगा। हाँ?
नमस्कार सीएम साहब। लकी अब तेरी लग गई। तुमने इतना सब किया, कुछ ही घंटों में पूरी गवर्नमेंट को ही हिला दिया, सीएम को अपने सामने लाकर खड़ा कर दिया। अरे तुम्हारी वजह से समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाकर पाऊँ। क्या कोई बातचीत नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। मेक अ विश कहकर तुझ पर भरोसा करके तुझे आगे कर दिया और तूने मेरे ही पीछे छुरा घोंप दिया। सीएम साहब मुझे छोड़ दो। नहीं, तुम चुप रहो। तुझे पता है तूने कितना बड़ा क्राइम किया है, इसके लिए तुझे उम्र कैद होगी। इसने जो क्राइम किया उसके लिए उम्र कैद की जरूरत नहीं है, इसे तो फांसी होनी चाहिए। सर इसे तो मीडिया के सामने फांसी होनी चाहिए। करेक्ट सर, इसके लिए यही सजा ठीक है। ले जाओ इसे। सर अगर आप परमिशन दें तो मैं मीडिया को बताना चाहता हूँ कि इसने क्या किया है। इसके करतूत सबको बताओ। सर बाहर जो लोग खड़े हैं वो समझते हैं कि सीएम साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या मैं उनसे कहूँ कि ये सीएम साहब का काम नहीं था, इसका दिमाग खराब हुआ और इसने गवर्नमेंट को चीट करके ये सब किया। मीडिया से ये कह दूं सर, होम मिनिस्टर ने ही पुलिस डिपार्टमेंट से ये काम करवाया। ये सब कह रहे हैं हम सब बेवकूफ हैं, बेअकल हैं, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ये जिम्मेदारी उठाई एक कॉमन मैन ने और उसने हम सबको धोखा देकर ये काम किया। ऐसा बता दो मीडिया। सर बाहर जो पब्लिक खड़ी है वो कह रही है कि अगले इलेक्शन में भी वो इसी गवर्नमेंट को देगी। मैं बाहर जाकर कह दूं कि ये काम इस गवर्नमेंट ने नहीं किया। बता दो क्या सर, किसी और गवर्नमेंट ने जो काम नहीं किया वो इस गवर्नमेंट ने कर दिखाया। ये पब्लिक क्या कह रही है? सीएम और होम मिनिस्टर ने मिलकर जो निर्णय लिए और पुलिस डिपार्टमेंट ने जो अच्छा काम किया वो वाकई काबिले तारीफ है। अगले इलेक्शन में भी हम इसी गवर्नमेंट को वोट देकर इसी सीएम को दोबारा हम चुनेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट ने जो अच्छा काम किया वो वाकई काबिले तारीफ है। 48 घंटे में अगर इस सरकार ने इतना कुछ किया है तो सोचिए अगले 5 सालों में कितनी उन्नति कर सकती है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ मेरे भाई ने गलत काम किया है। यस, इसका चुना रास्ता गलत था लेकिन ये सही है। He's right. Lucky, you're right. तूने कोई गलती नहीं की। सिर्फ आज नहीं, मेरा भाई हमेशा से राइट था। मेरे भाई ने ही चीट करके ये काम किया है, मैं ये बात मीडिया के सामने गर्व से कहूंगा। कहां लेकर जा रहे हो इसे? किसने अपॉइंट किया है भूल गए तुम? मैंने। मतलब मेरी गवर्नमेंट का लिया हुआ फैसला था? यस। मुझे मीडिया के सामने जाने दीजिए सर, मैं अपनी गलती कबूल कर लूंगा। किस कमीने ने कहा कि तुमने गलती की? गलती तो उसने की, तुमने तो रोका, लेकिन ये मीडिया को नहीं पता चलना चाहिए। मैंने आपको चीट किया, मुझे गिल्टी फील हो रहा है, मुझे जाने दीजिए सर। रुको। तो फिर मेरी भी कुछ डिमांड्स हैं। डिमांड्स? डिमांड क्या है बताओ? क्या ये स्पेशल टीम ऐसी रहेगी? इसमें किल बिल हेड होगा। मुझे अमेरिकन वीजा चाहिए। अमेरिका क्यों जाना? तुम्हें पुलिस की नौकरी दे दें। तुम सब दोगले हो। मुझे नहीं चाहिए सर। व्हाई? मैंने पावर्स को अपने हाथ में लिया, इसीलिए ये सब कर पाया। मेरे भैया की तरह सिंसियर ड्यूटी करने वाले पुलिस ऑफिसर्स को एक बार फ्रीडम देकर देखिए, रिजल्ट इससे 50 गुना ज्यादा होगा। तुम मामूली इंसान नहीं हो राजा। आप भी कौन से मामूली इंसान हो? स्पेशल ऑपरेशन के हेड। आप ही तो ना सर। ओह माय गॉड। ये मैटर सिर्फ हम चारों के बीच ही रहना चाहिए। यस। तो उसका क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। बेचारा बहरा है, छोड़ दो इसे। हाँ, छोड़ दो, छोड़ दो। तो पीछे के रास्ते भाग जाओ। कड़ी खोलो इसे। जल्दी जाओ राजा। आपके सवालों का जवाब मैं नहीं दूंगा, बस मुझे जो कहना है वो कहकर रहूंगा। कभी भी कोई भी क्राइम हो तो प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आप लोगों से बड़ा कोई नहीं है यहाँ। अन्याय का सामना कीजिए और हम जैसे पुलिस वालों की मदद कीजिए। किल बिल पांडे।